28 साल, योग्यता इंजीनियर, ऐसा कोई काम नहीं जो इसने नहीं किया। शादी पार्टी में कैटरिंग से लेकर हॉस्टल, होटल एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेस और साप्ताहिक पत्रिका का संचालन तक का कारोबार। महज 5 साल में ही वो 8 से ज्यादा कंपनियों का मालिक बना। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज्यादा लालच में मेडिकल कॉलेज में फर्जी नियुक्ति पत्र देना शुरू कर दिया गया। ये गोरख धंधा भी चल निकला, करोड़ों की कमाई भी हो गई, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। जल्द से जल्द करोड़पति बनने की चाह में भोपाल का इंजीनियर नटवरलाल बन गया और अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में ये खुलासे उसने ही किए हैं। आरोपी ने खुद का करोड़ों का आलीशान बंगला भी खड़ा कर लिया। पैसों से उसकी दीवानगी इतनी ही नहीं रुकी, उसने दतिया मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दिलाने का फर्जीवाड़ा कर महज 5 साल में ही करोड़ों रुपए लोगों से ठग लिए और अब 200 लोगों से रुपए लेने का खुलासा हुआ है, जबकि करीब 400 लोगों के लेन देन के दस्तावेज भी मिले हैं। जल्दी वो बड़े स्तर पर एक अखबार की लॉन्च करने की तैयारी में था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कोटा सुल्तानाबाद कमला नगर में बॉयज हॉस्टल चलाने वाले आशु कुमार पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत 20 मई को मिली थी। बिहार का रहने वाले आसू कंप्यूटर साइंस से बीई है। उस पर आरोप था कि उसने दतिया मेडिकल कॉलेज में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर रुपए लिए हैं और इसके बाद से ही पुलिस इसके पीछे लग गई। 5 दिन पहले टीम ने पांडेस बॉयज हॉस्टल के ऑफिस में फर्जी दस्तावेज के साथ उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर उसने दतिया के मेडिकल कॉलेज की नियुक्ति पत्र दी, जिसके बाद वो कंप्यूटर से फर्जी लेटर हेड बनाकर लोगों से 3 से 5 लाख रुपए तक का लेता था। अब तक उसने करीब 200 से ज्यादा लोगों से रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र बांटना बताया है। क्राइम ब्रांच द्वारा इसके खिलाफ प्रकरण कायम कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड पर पूछताछ की गई। पूछताछ में और कई बड़े चौंकाने वाले चीजों का खुलासा हो सकता है, वो जानकारियां आ सकती है। अभी इससे पड़ताल और विवेचना जारी है।